इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और आपको इसकी लत लग सकती है। कृपया इसे जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर करें अथवा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। धन्यवाद। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कोटेक्स में ट्रेडिंग करेंगे और 100 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है। मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट लग गई, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा एक रेड ग्रीन टाइप का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन एंट्री लेट है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड ले लेता, लेकिन फिलहाल के टाइम भी चला गया और मार्केट ऊपर भी नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का चल रहा है, ठीक है। प्लस एक रेड ग्रीन पैटर्न बना हुआ, तो ये सब देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो वेट करते, अगर लॉस हुआ तो सिर्फ एंट्री की वजह से लॉस होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैंडल रेड ही बनना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे कैंडलों को तो यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है इस एरिया से, तो मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। तो देखते हैं, अभी 5 सेकंड बाकी है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेड विन हो जाएगा और कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, तो यहाँ से अगेन सेलर्स आएंगे। फिलहाल के दौर में अब मुझे लग रहा है कि पैटर्न जो है अब टूट चुका है और गैप डाउन ओपन हुई है, तो यहाँ पर सेलर्स होंगे, इसलिए मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर सेलर का ले लिया है, क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न वो ब्रेक हो चुका है और ऊपर रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया। सिंपल सा ट्रेड है, तो ठीक है, वेट करते हैं, ये ट्रेडिंग हमारा विन हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से मतलब आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर पैटर्न वर्क कर सकता है, कहाँ पर पैटर्न वर्क नहीं करेगा, ये सब चीजें देखने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न देखकर भी बाय का ट्रेड ले लेते हैं, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है। यहाँ पर मार्केट को चांसेस है कि नीचे ही आना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि कैंडल भी गैप डाउन हुई सेलिंग प्रेशर के साथ, और आप देख सकते हो यहाँ पर इतना अच्छा रिजेक्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे ही आना है, ठीक है। कम अमाउंट से ट्रेड लो, लेकिन मार्केट को समझ समझ के ट्रेड लो कि कहां पर आपको बैक टू बैक ट्रेड लेना चाहिए, कहां पर आपको वेट कर ट्रेड लेना चाहिए, ये सब चीजें देखने के बाद ही ट्रेड लो, ठीक है। और जिन जिनको भी मेरी पेड क्लास चाहिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पेड क्लासेस की डिटेल्स ले सकता है, ठीक है। हमारा एक लास्ट ट्रेड बचा हुआ है, तो देखते हैं कुछ अच्छा पोजिशन मिलेगी तो एक और ट्रेड लेंगे, लेकिन यहां पर मैं सेल साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि इस जगह पर एक राउंड नंबर भी है, तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। देखता हूँ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक और ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि लास्ट ट्रेड है, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा इजिली। मार्केट यहाँ पर ये जहां से मैं ट्रेड लिया इसके नीचे ही रहने वाला है, क्यों रहने वाला है मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सेलर का एरिया, जैसे मार्केट रिजेक्शन खा रहा है और अभी भी आप देख सकते हो उस पर आते ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया था एकदम से, जल्दी से मतलब मार्केट ने रिजेक्शन करा था, अगर आप कैंडल को ध्यान से देखा होगा तो, मतलब इस एरिया पर सेलर्स है। अगर कैंडल ग्रीन भी बनेगी उस कंडीशन में भी मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग देगा और उस कंडीशन में हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। अभी 15 सेकंड बाकी है, वेट करते हैं यहाँ पर। तो आपको भी इसी तरह से देखो बैक टू बैक ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, जहां अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मार्जिन सेफ्टी भी मिल रही, वहां पर ट्रेड लो, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, हमारा ये ट्रेड भी विन हो चुका, तो हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों ही विन हो चुके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। मैं आपको यहाँ पे पेज को भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेज को भी रिफ्रेश कर दिया, मैं आपको अपना रियल और डेमो अकाउंट बता दूं, पेज को भी अपडाउन कर देता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।